नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं इस देश के बल्कि दुनिया के जाने माने सरोद वादक पंडित तेजेंद्र मजूमदार जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको बुलाया। और वेरी सॉरी, बहुत दिन से बातचीत चल रहा था लेकिन मेरा प्री ऑक्यूपाइड काम के लिए मैं नहीं आ पाया। I'd like to be excused for that. दादा, मेरे हाथों में पट्टियां, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपका समय हम समझते हैं, चोट लग गई थी ये थोड़ी सी। खैर, बातचीत शुरू करते हैं दादा। इस सवाल का जवाब तो खैर आपसे कई लोगों ने पूछा होगा और कई बार आप दे चुके होंगे, लेकिन बहुत स्वाभाविक सा सवाल है कि मैंडोलिन सीखा, वोकल सीखा, तबला सीखा, फिर सरोद पर आकर रुके, तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, ये क्या बताती हैं आपके संगीत सफर के बारे में, और आखिर सरोद पर रुकना कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है, शायद इसके पहले भी मैं बोल चुके बहुत दफे कि आई केम फ्रॉम ए वेरी म्यूजिकल फैमिली। माय फादर वाज अ म्यूजिशियन, मेरा ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ म्यूजिशियन, बट प्रोफेशनली मेरे फादर से ये प्रोफेशन लेने का वो जो आदत वो शुरू हो गया था। माय फादर वाज अ सितार प्लेयर, और मेरा सब कुछ, मतलब सबसे पहले मेरा, और जब तक एक जगह तक जिसको मैं मानता हूँ गुरु, वो है मेरे दादाजी, ग्रैंडफादर लेट विभूति रंजन मजूमदार। तो आई डिडंट हैव एनी अदर वे टू थिंक फॉर व्हाट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक। तो उन्होंने उसी टाइम पे, बहुत बचपन आई वाज दैट टाइम मे बी थ्री एंड हाफ फोर इयर्स ओल्ड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू होल्ड एन इंस्ट्रूमेंट लाइक सरोद, इतना बड़ा है। तो उसी टाइम पे उन्होंने फैसला तय करके रखा कि ये बंदा सरोद बजाएगा। लेकिन सरोद इतना बड़ा था, इसीलिए मैंडोलिन उन्होंने, मेरे दादाजी ने मैंडोलिन सिखाने का शुरू किया। और हमारे फैमिली में सबसे पहले सब बच्चे को वोकल ट्रेनिंग और तबला ट्रेनिंग, ये दोनों लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये दो बुनियाद जो है सुर का और लय का, ये जो कायम होना चाहिए इसके लिए। तो तबला भी मैं सीखता था और वोकल म्यूजिक चल रहा था, लेकिन मेरा वॉइस क्वालिटी वॉज नॉट गुड, मेरा दो दफे डिप्थीरिया हो गया था। तो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, तो सरोद उन्होंने चुन लिया था। मेरा सबसे छोटा अंकल जो थे, he was also a sarod player, he passed away, he also used to learn from my ustad bahadur khan sahab, so that was an inspiration. To sabse pehle main mandolin jab sikha, mandolin ne main hindustani classical sikha, aur hindustani classical music sikha, aur uske baad maine thoda sa wo sarod ka, matlab I never ever played any shorter version of sarod. मैं जब शुरू किया उस टाइम से मैं स्टैंडर्ड साइज सरोद बजाना शुरू किया। उसके बाद आई वॉज टेकन टू माई उस्ताद, तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो मेरे पिताजी बहादुर खान साहब के पास लेके गए, और दैट टाइम ही वॉज वेरी बिजी, यूज्ड टू बी वेरी बिजी। तो जब पहले दफे लेके गए, तो बाबा ने उनके पास लेके जाके उन्होंने कहा कि आपके पास मैं समर्पण करना चाहता हूँ मेरे बेटा को। तो उस्ताद जी मुझको थोड़ा सा सुना, और एंड ही टुक 6 months टू टेक द डिसीजन कि इस बंदे को हम शिष्य बनाएंगे कि नहीं। आफ्टर 6 months आई गॉट कॉल फ्रॉम उस्ताद जी, एंड देन इट स्टार्टेड। और 18 साल मैं उस्ताद जी से, सरदार खान साहब से मैंने सीखा। तो मेरा मतलब जो कुछ भी मैं अभी तक जो बना, उसका पूरा बुनियाद वो सब उस्ताद जी ने मुझको सिखाया, और एकदम जैसे बोलता है ना कि रॉ स्टेज से एकदम मिट्टी जैसा उसको शेपिंग करना, वो क्या होना चाहिए, वो सब उस्ताद जी ने मुझको कराए थे। हम उस्ताद जी के साथ आपकी जो
खूबसूरत यादें हैं, उनके सीखने का जो तरीका, सिखाने का जो तरीका था, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी समझना चाहेंगे पंडित जी, क्योंकि आप बहुत अधिकार से ये बात समझा सकते हैं, जो सवाल पहला था उसी का एक ये अगला पक्ष समझिए, वोकल, तबला, मैंडोलिन, सरोद, ये जो आपने कहा कि परिवार में ये जरूरी था कि तबला और वोकल तो सीखना ही सीखना है, ये संभवतः जितना हम लोग जो संगीत की बहुत समझ नहीं रखते हैं उनके लिए अगर आसानी से समझाया जाए तो इससे हर पक्ष को और आसानी होती है समझने में, यानी ताल बेहतर समझ में आने लगती है, लय बेहतर समझ में आने लगती है। यही वजह है इसकी कि ये एकदम मैंडेटरी था कि ये तो सीखना ही सीखना है। मैंडेटरी मतलब ये जो है ये बाद में पता चला, उसी टाइम पे तो बाय डिफॉल्ट आई हैड टू लर्न, लेकिन बाद में पता चला कि इतना ये कितना जरूरी थे, क्योंकि लय ऐसा एक चीज है जो हमारा मतलब रिदम तो ऐसा है कि हमारा हार्ट बीट जैसा है ना, बिल्कुल, वो उसका जो अंदाजा है वो अंदाजा बहुत कुछ सिखाने का बाद भी अंदर से कुछ पैदा होता है, तो वो मतलब उसको नरिश करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए एक शिक्षा जरूरी है, वो था वो। और उसके साथ उस मतलब म्यूजिक के साथ जरिए ये भी एक लर्निंग प्रोसेस था कि लय और सुर कैसे इकट्ठा होके एक कंप्लीट शेप कैसे आ सकते हैं परफॉर्मेंस का। तो ये जो फोरसाइटेडनेस हमारे पिताजी और दादाजी के थे, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि ऐसे ऐसे उन्होंने सोचे हैं। और बाद में मैं तबला अलग से सीखा और पंडित अनिल पालित से मैं सीखा, वो सिखाया कैसे डिफरेंट ताल, डिफरेंट लय में क्या क्या चीज बजाना है, क्या रास्ता है, क्योंकि इतना गुणी, इतना विद्वत आदमी थे वो, पंडित किशन महाराज जी के शागिर्द थे और वो कंठे महाराज जी से भी सीखे थे। तो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। और ये जर्नी अभी इस उम्र में मुझको ये एक्सपीरियंस और ये महसूस होते हैं कि अगर वो नहीं होता तो जो कुछ भी मैं हूँ वो नहीं बन पाता। तो दादा एक चीज और अपने बचपन की जरा बताइए कि जब इस तरह का फैमिली में म्यूजिक का बैकग्राउंड हो और पिताजी दादाजी हर कोई संगीत से जुड़ा हुआ हो, तो शैतानी का खेलने वेलने का कुछ मौका मिलता था या बस स्कूल गए और स्कूल से लौट के आए और कोई ना कोई साज और रियाज? वो कुछ था, लेकिन एक चीज था कि मेरा सब कुछ का मतलब वो गेंद गेंद लेके फेंकना और वो काइट लेके, वो जो बचपन जो बचपना में जो जो चीज होना था, माय ग्रैंडफादर वाज द ओनली फ्रेंड, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो खेलते थे मेरे साथ क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब जो कुछ भी है, लेकिन ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन वन पॉइंट कि रियाज रेगुलर करना चाहिए। वो पढ़ाते थे भी और म्यूजिक के लिए इतना स्ट्रिक्ट थे उसी जमाने में, उसी टाइम पे, कि हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिए थे कि इस टाइम पे रियाज करना ही होगा। तो मैं जब बहुत छोटे थे तो मैंडोलिन छोटा इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन ये जो थ्री फिंगर्स है उसमें बहुत लगता था, एकदम काट हो जाने के बाद खून भी बहता था। तो लेकिन वो भी एक मतलब शिक्षा ऐसे थी कि उसका उस मतलब कभी मुझको स्पॉइल नहीं किया, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं तुमको इतना लग रहा है, इतना पेन हो रहा है तो बस ठीक है आज छोड़ दो, नहीं नहीं उसके वो होने का बावजूद भी तुमको रियाज करना पड़ेगा। सो दैट वाज द लर्निंग प्रोसेस एंड दैट वाज वेरी रेजिमेंटेड काइंड ऑफ थिंग व्हिच रियली हेल्प मी अलॉट। तो बाद में जब उस्ताद जी के पास मैं गए, उस टाइम पे तो उस्ताद लोग तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो रियाज और तालीम को सिवा और कुछ नहीं है। और मैं उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ता था, एजुकेशन का टाइम में थोड़ा सा मतलब एजुकेशन नहीं, वो एग्जाम का टाइम में थोड़ा सा गैप हो जाता था, लेकिन बाकी टाइम एकदम टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे ऐसे करके जाना है,
तो ऐसा ही हुआ बस। अब आते हैं दादा उस महान कलाकार पर जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले किया कि 6 महीने तो सिर्फ इस बात को तय करने में लग गए कि वो आपको सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। अब उस्ताद जी के व्यक्तित्व पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि गुरु के तौर पर किस तरह से वो ट्रीट करते थे अपने शिष्यों को, क्या कुछ खासियत थी हाँ उनकी? मतलब एक तो है कि उस्ताद जी उस टाइम पे बहादुर खान साहब की बात मैं बोल रहा हूँ, जी। उस जमाने में तो ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी, और उनका दिमाग मतलब मिजाज ऐसा था, आंख आंख पर आंख लेके बात करना बहुत मुश्किल था। वो पहले वो होता मतलब थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना पड़ता था, वो समझ के बात करना पड़ता था कि अभी उनका मूड कैसे है। ही वॉज वेरी वेरी पैशनेट, बहुत बहुत प्यार करते थे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ होता तो छोड़ते नहीं। वो मेरे मुझ मेरे नॉट ओनली मी मतलब स्टूडेंट सब लोगों को कभी भी मार दिया, अभी एस्ट्रे फेंक दिया, ये सब किया, लेकिन बाद में जो चीज निकालना है वो निकालना ही चाहिए, ऐसे थे। और जो तालीम मतलब आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुई कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। ये मैं बोलने से इतना अंदर से मैं बोल रहा हूँ कि उनका 2 बेटे थे, उनके साथ भी मैं मुझको सिखाते थे, लेकिन कभी आई डिडंट फील कि मैं बाहर से कोई आए आए और वो बेटे बेटे को जैसे सिखाते थे मुझको भी ऐसा। कभी कभी ऐसा होता था कि शाम को 6 बजे मैं जाता था, 11 बजे तक सिखाते थे। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ गुरु इन माई लाइफ। मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे गुरुओं को मिला है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट 1989 में उनका बहुत ही अनटाइमली डिमाइस हो गया। तो उस टाइम पे मैं जब सीखता था उनको उनके पास, उनका जो खासियत था कि कभी लिख के नहीं देते, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर ओनली टू स्टार्ट विथ एक दो राग उन्होंने वो एक्सरसाइज बुक में बंदिश और कुछ पलटा वगैरह वो तान तान लिखते थे, बाकी सब बाई हार्ट। मतलब गुरु शिष्य परंपरा जैसा होता है जिसके बोलते हैं कि एवरीथिंग यू हैव टू कीप हियर। तो ये जो आदत उन्होंने बना दिया वो मैं भी कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही सिखाने के लिए। और जब मैं उनका डेथ के बाद मैं अजय सिन्हा राय के पास 2 साल थे, 2 साल मैं सीखा। ही वाज आल्सो फैंटास्टिक नॉलेजेबल म्यूजिशियन, वो भी अलाउद्दीन खान साहब, सदर अलाउद्दीन खान साहब का शागिर्द थे। एंड देन आई हैड बीन टू नान अदर देन सर सम्राट उस्ताद अली अकबर खान साहब। तो वो भी एक मतलब बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था, तो बाबा ने राजी हुए। और व्हेन आई वाज इन यूएस टूर, तो इस मामले में सबसे ज्यादा जिनका योगदान है, जिसका कंट्रीब्यूशन है, वो मेरा गुरु समान दादा पंडित स्वपन चौधरी। पंडित स्वपन चौधरी जी ने मुझको बोला और बाबा को भी बोला कि इसको आपको लेना है, तो बाबा एग्रीड, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया में नहीं होगा, उनको कैलिफोर्निया में आना पड़ेगा। तो मैं कैलिफोर्निया में जाके उनसे उनके पास गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने शुरू किया। लेकिन मैं गांडाबंद शागिर्द मैं था उस्ताद बहादुर खान साहब का, तो उन्होंने गांडा नहीं बात पाया, क्योंकि पुराने उस्तादों का एक संस्कार ऐसा था कि जिंदगी में एक ही दफा गांडा बंधन हो सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने गांडा नहीं बंधा। लेकिन बहुत ही मतलब प्यार से मुझको सिखाया। आई वॉज सो फॉर्चुनेट टू हैव हिज तालीम ऑल्सो, एडवांस तालीम। साल में एक दो दफे मैं जाता था कैलिफोर्निया में, और वो जब खान साहब आते थे इंडिया में तब मैं सीखता था। ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जब आते थे उस टाइम पे तो ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी, तो यहाँ वहां पे कैलिफोर्निया में मेरा टूर के पहले और टूर के बाद मैं एक सब्सटेंशियल टाइम मैं रखता था, उसी टाइम पे मेरा तालीम चलता था।
एंड दैट हैड कंटिन्यूड अप टू 2009. तो अभी भी याद ऐसा होता है, अभी भी मैं बहुत ही ये फील करता हूँ कि मैं गुरु रहना, मतलब फिजिकली रहना नहीं है, लेकिन मैं जब भी, अभी भी जब मैं कैलिफोर्निया में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, उनका घर पे जाता हूँ, तब ऐसा लगता है कि कुछ एक नया चीज, मतलब एक साइकोसोमेटिकली ऐसा एक प्रोसेस चलता है, उसमें लगता है कि बाबा से कुछ नया कुछ सीख लिया. तो ये है ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ मास्टर्स. वो तो सिद्ध थे. बाबा, बाबा के बारे में क्या कहूँ, मतलब ही वॉज मतलब जो यूदी मेनोविन ने कहा कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उनका जो सोच था, उनका जो सिखाने का अंदाज था, वो तो मतलब बताने से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. दादा, लगे हाथ ये भी बताइए कि अली अकबर खान साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनसे आपने बाद में सीखा, और अली अकबर खान साहब जो है वो पुत्र थे अलाउद्दीन खान साहब के, मतलब भारतीय संगीत की जो महानतम हस्तियां हैं, ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज हैं उनमें से एक, और बाबा को बहुत सख्त माना जाता था, यानी बाबा अलाउद्दीन खान साहब को. वो कहते हैं कि मैं एक अली अकबर खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था कहीं बहुत पहले, और उसमें वो कह रहे थे कि बाबा बहुत सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, मैं भी बजाता था, लेकिन एक दिन फिर वो आए और उन्होंने सरोद दिया और कहा कि आज के बाद और कुछ नहीं बजाओगे, सिर्फ यही बजाओगे, और जितनी स्ट्रिक्टनेस हो सकती है, मतलब रियाज के मामले से लेके हर तरह तक. वैसे ही क्या अली अकबर खान साहब भी थे? नहीं, ऐसा नहीं थे जी. ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका था, वो डांटना उससे मतलब कम इफेक्टिव होता, क्योंकि वो सरकास्टिकली एक चीज बोल देते थे, वो लगता था कि ये तो स्नेक बाइट से कम कुछ नहीं है, ऐसे उसे बोलते थे. और उनका जो बोलने का तरीका था ना, इतना सिंप्लीफाइड वे में बोलते थे, जैसे मतलब सब बोलते हैं कि परमहंस रामकृष्ण देव जैसे बहुत बहुत कठिन चीज इतना सिंप्लीफाइड वे में बहुत साधारण होके बोलते थे. बाबा का जो नुआंसेस, वो मतलब जो एग्जांपल्स वो बोलते थे, वो तो ऐसे ही लगता था कि वो जो कमाल के, मतलब सबको समझने में लिए एक अच्छी चीज हो जाता था. पंडित जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं. कल रात ठीक 9 बजे हमसे फिर जुड़िएगा और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा.